अगली खबर में बात करते हैं बिहार की, जहां चकाई थाना क्षेत्र के कौनजी पहाड़ी गांव के समीप बाइक की ठोकर से बच्चे के घायल होने से नाराज दबंगों ने एक महिला की पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मृतक की पहचान चकाई थाना क्षेत्र के कौनजी पहाड़ी निवासी गिरधारी यादव की पत्नी कुसुम देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि गिरधारी यादव अपने पुत्र शंकर यादव के साथ बाइक पर सवार होकर दुर्गा पूजा की सामग्री की खरीदारी करने के लिए बटपार गांव गया था। वहीं जब यह सामग्री की खरीदारी कर जब वह अपने घर लौट रहा था, जैसे ही उसकी बाइक कौनजी पहाड़ी के समीप पहुंचा, तभी अचानक उसके बाइक के सामने रमेश हेमब्रम का पुत्र आ गया, जिसमें वह घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिता पुत्र को बंधक बना लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि घायल को बाइक सवार द्वारा इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया। इधर घटना की जानकारी जैसे ही बंधक बने गिरधारी यादव की पत्नी कुसुम देवी को हुई, वह बच्चे के घर के पास पहुंच गई, जिससे नाराज कुछ लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इधर घटना की जानकारी के बाद चकाई थाने की पुलिस कौनजी पहाड़ी गाँव पहुँच कर सबको अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। थोड़े धुपे में यही समय चल गया, तो इसको खोजना शुरू किया कि कहाँ चल गए, कहाँ चल गए, काल को काल का बोल वहाँ गए उनकी कहने नहीं वहाँ नहीं। अच्छा, तब क्या हुआ, कहाँ पे मिला इनका लाश? ये हमारा लाश हम कहिए वहाँ चल गया था, चलिए वहाँ तब उसके उसी का दरवाजा पर देखिए एकदम लाश मैंने इसे करके सुता दिया।